जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 24 जून 2022 शुक्रवार के दिन का। तो आज के दैनिक राशिफल के अनुसार आज शुभ ग्रहों की दृष्टि व माता लक्ष्मी जी की कृपा से आज 12 में से 5 राशि वालों को धन लाभ के योग हैं। इन 5 राशियों में आज हैं मेष, मिथुन, कर्क, तुला और वृश्चिक राशि वाले लोग। वहीं अन्य राशियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, शुक्रवार का दिन है। आज दिन की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होगी और मेष राशि में चंद्रमा का संचरण होगा। आज सूर्योदय प्रातःकाल 5:24 पर होगा और सूर्यास्त शाम के 7:22 पर होगा। आज राहुकाल प्रातःकाल 10:38 से आरंभ होकर के दोपहर 12:23 तक राहुकाल रहेगा। तो आज राहुकाल के दौरान आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य शुरू नहीं करें। इस समय अवधि में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें। आज दिशाशूल रहेगा पश्चिम दिशा में, तो आज के दिन आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ नहीं करें। पश्चिम दिशा की यात्रा से भी आप बचें। यदि यात्रा करना आज आपके लिए अति आवश्यक हो तो अपने इष्ट देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करके या इष्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं। और आज का सर्वश्रेष्ठ अति श्रेष्ठ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा। प्रातःकाल 11:55 से आरंभ होकर के दोपहर 12:51 तक सर्वश्रेष्ठ व शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस मुहूर्त में आप कर सकते हैं। तो अब जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशि के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुभ रहे और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिले। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज आप जो भी सोच करके काम करेंगे उस कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। पार्टनरशिप के काम और व्यापार में हिस्सेदारी के मामले में आज आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। और आज आप अधिकारी वर्ग के साथ टकराव से बचे रहें तो व्यापारिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति करेंगे। आज अपने मन की बात कहने से आपकी दुविधाएं दूर होगी। आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी को हलवे का भोग अर्पित करके लाल पुष्प चढ़ावें। ओम कमलाई नमः इस महामंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज आपके दिल में एक नया जोश रहेगा। आज आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकेंगे। नए सौदे से पहले उनके कानूनी पक्ष पर गौर अवश्य करें। अधिकारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आज आपको सौंप सकते हैं। आज आपकी वित्तीय स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी। आपको धन संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। घर में बदलाव की संभावना रहेगी। नया मकान या वाहन खरीदने के लिए आज का दिन ठीक है। आज आपको भाग्य का साथ 90% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी को अनार का फल अर्पित करें, अनार का पुष्प चढ़ावें। ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज अपने पर्सनल कार्यों पर ध्यान अधिक दें, आपको सफलता मिलेगी। कैरियर में कोई बड़ी उपलब्धि मिलने के संकेत हैं। मित्रों के साथ मिलकर किए गए कारोबार की शुरुआत आज आप कर सकते हैं। अधिकारियों के साथ व्यवहार करते समय आज आपको अतिरिक्त सावधानी बरतना चाहिए। उनका विरोध करने से बचे रहें तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं व्यापारियों को आज आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। आज आपको भाग्य का साथ 84% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है।
शुभ रंग आपका नीला रंग है। नीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी को हलवे का भोग अर्पित करके लाल पुष्प चढ़ावें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज का दिन विशेष रूप से आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप किसी प्रकार की पेमेंट के लेन देन में सावधानी बरतें। आर्थिक स्थिति में सुधार की आशंका ज़्यादा रहेगी। आप एक नई साझेदारी या एसोसिएशन में प्रवेश कर सकते हैं। आज व्यवहार में परिवर्तन लाना बेहद जरूरी है और आज घर बाहर का वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा। खान पान पर ध्यान दें। आज आपको भाग्य का साथ 85% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति को कच्चे दूध में केसर मिला करके स्नान करावें। मिठाई का भोग अर्पित करके श्री लक्ष्मी नारायण आय नमः इस महामंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज आपका उत्साह चरम पर रहेगा। आर्थिक मामलों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। व्यावसायिक कार्यों में कुछ अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है जिसके कारण आपका मन थोड़ा विचलित हो सकता है। महिला वर्ग के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। कुछ लोग छोटा सा वेकेशन प्लान कर सकते हैं या नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। आज स्वास्थ्य आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है। आसमानी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी को मिठाई का भोग अर्पित करके अनार का पुष्प चढ़ावें। ओम कमलाई नमः इस महामंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज अतिथि आगमन के योग बनेंगे। आप किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में विचार कर सकते हैं। विदेश या दूर कार्य करने वाले लोगों के लिए आज का दिन शुभ फलदायी है। दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आज आने से आपको बचना चाहिए। आज खान पान पर विशेष ध्यान देवें। आपकी निजी जिंदगी में सब कुछ आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका लाल रंग है। लाल रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। मिठाई का भोग लगावें। ओम श्री विष्णु पत्नी नमः इस महामंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन से सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। व्यापार के क्षेत्र में दूसरे लोगों से संपर्क करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ हो वैवाहिक चर्चाओं में उनको सफलता के योग बनेंगे। बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर आज निकलें। आज स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। आज आपको भाग्य का साथ 92% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। हलवे का भोग अर्पित करके ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस महामंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज का दिन आपके लिए कुछ स्पेशल साबित हो सकता है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज कोई अच्छी डील हाथ लग सकती है। कारोबार में मनचाही सफलता आपको मिलेगी। किसी भी स्थिति में खुद को तनावग्रस्त आज बिल्कुल नहीं होने दें। आज चींटियों को आटा खिलाएं। दिन आपका काफ़ी बेहतर रहेगा। आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है।
प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के सामने शुद्ध घी का आटे का चार मुखी दिया जलावें, अनार का फल और अनार का पुष्प चढ़ावें, ओम श्रीम श्रीय नमः इस महामंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज जो भी आप वादा करें उसे पूरा करने की कोशिश अवश्य करें। कारोबारियों को जल्द ही कोई बड़ी डील मिल सकेगी। आज उत्साह में धन का व्यय बिल्कुल नहीं करें। आज खर्च पर नियंत्रण रखें। वर्क प्लेस पर अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। आपके करीबी आपसे मनमुटाव या आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। आज सतर्क रहें। आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 10 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, पंचमेवा का भोग अर्पित करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज आपकी बातों से लोग काफ़ी प्रभावित रहेंगे। अपना पूरा फोकस अपने टारगेट पर रखें। प्रॉपर्टी में निवेश का सही समय है। आपकी बुद्धिमानी और कार्य के प्रति निष्ठा की अधिकारी वर्ग और लोग काफ़ी प्रशंसा करेंगे। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों का सम्मान अवश्य करें। परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका जामुनी रंग है। जामुनी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग अर्पित करें, लाल पुष्प चढ़ावें, श्री विष्णु पत्नी नमः इस महामंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आपका खुश मिजाज व्यवहार लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। बच्चों के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आज सतर्क रहें। किसी काम में अपने प्रिय से सहायता आप ले सकेंगे। आज आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। आज आपको भाग्य का साथ 95% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। तो गुलाबी रंग का कार्य क्षेत्र में उपयोग करेंगे तो आपको कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। आज के दिन कार्य में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, मिठाई का भोग लगावें, श्रीफल अर्पित करें, लाल पुष्प चढ़ावें, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस महामंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में प्रगतिशील और बड़े बदलाव करने से सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपके व्यवहार को लेकर पड़ोसी भी आपकी तारीफ करेंगे। आज आपको भाग्य का साथ 82% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका लाल रंग है। लाल रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, हलवे का भोग अर्पित करके अनार का पुष्प चढ़ावें, ओम श्री विष्णु पत्नी नमः इस महामंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।